नमस्कार, आप देख रहे हैं जीवन 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ ममता मिश्रा। नैनीताल जनपद के हल्द्वानी में उत्तराखंड पुलिस द्वारा आयोजित अंतर जनपदीय फुटबॉल मैच प्रतियोगिता शुरू हो गई है। इस बार इस प्रतियोगिता के आयोजन का जिम्मा नैनीताल पुलिस को मिला है। हल्द्वानी के मिनी स्टेडियम में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने इस फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। SSP पंकज भट्ट ने बताया कि हल्द्वानी स्टेडियम में पुलिस के फुटबॉल प्रतियोगिता में 40 टीमों के 224 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। 30 अक्टूबर तक यह फुटबॉल मैच का आयोजन हल्द्वानी स्टेडियम में होगा, जिसमें 13 जनपदों की पुलिस टीमों के अलावा PSC और IRB की टीमें भी प्रतिभाग कर रही हैं। खिलाड़ियों के रहने खाने सहित प्रतियोगिता की सभी तैयारियां की गई है। जीवन 24 के लिए हल्द्वानी से सचिन गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, बहुत अच्छी शुरुआत आज यहाँ पे हुई है। ये जो अंतर जनपदीय अंतरवाहिनी टूर्नामेंट जिसकी मेज़बानी नैनीताल कर रहा है, अच्छी बात है। और विशेषकर गवर्नमेंट में तो इनफैक्ट मैं समझ रहा हूँ कि फिटनेस थोड़ा इस पर और भी विशेष ध्यान देने की इसलिए भी आवश्यकता है कि वर्किंग आवर्स ऑड हैं। मुझे लगता है कुछ जगहों पर स्ट्रेस भी होगा। बहुत आवश्यक है हम इसे खेलें और हमारे यूथ भी खेलते रहें। अच्छा कदम है और भी स्पोर्ट्स एस्पेक्ट में डेवलप करने चाहिए। और ये स्टेडियम जहाँ हल्द्वानी में हो रहा है, इसके लिए भी अभी माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा में जो 4 करोड़ रुपए की स्वीकृति हुई है, जो बहुत समय से डिमांड थी कि सेंटर प्लेस पे ये स्टेडियम है, लेवल्ड नहीं है, इसमें घास नहीं है। जनपदीय अंतरवाहिनी प्रतियोगिता आज से प्रारंभ हुई है। कमिश्नर साहब ने आज इसका उद्घाटन किया है और ये 30 तारीख तक चलेगी। इसमें 14 टीमें कुल प्रतिभाग कर रही हैं, जिनको 2 पूलों में साथ साथ के 2 पूलों में बांटा गया है और 30 तारीख को इसका समापन DIG महोदय द्वारा किया जाएगा।